हाय, वेलकम टू मेरे चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिए, क्या क्या कह रहा है। कह रहा है कि सुबह लक्ष्मी टुक अ लोन ऑफ रुपीज़ 18,000 फ्रॉम सूर्या फाइनेंस। सूर्या फाइनेंस से लोन लिया। ओके, सुबह लक्ष्मी ने कितना टू परचेज अ टीवी सेट। अच्छा, टीवी सेट खरीदना था उनको। तो इफ़ द कंपनी चार्जेस, यदि कंपनी ने क्या किया, चार्ज किया कंपाउंड इंटरेस्ट एट 12% पर एनम। तो बिल्कुल चार्ज करेगी, 12% पर एनम से कर रही है ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। अच्छा, पहली साल 12% से कर रही है एंड दूसरी साल 12.5%, मैंने 12.5% पर एनम ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। ओके, तो हाउ मच विल सी हैव टू पे आफ्टर 2 ईयर्स। तो 2 साल के बाद उसे कितना पे करना पड़ेगा, इसका मतलब कि अमाउंट निकालना है। ओके, मैंने कितना वो पे करना पड़ेगा, मतलब क्या उसमें जो है जितना इंटरेस्ट आएगा उसको भी ऐड करके पे करना पड़ेगा उसको। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। तब सॉल्यूशन, तो यहाँ पर 2 साल का अलग अलग है, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे वही वाला अलग अलग वाला, है ना। तो गिवेन दैट, अभी लिख सकते हैं यहाँ पर कि क्या दिया हुआ है। तो गिवेन दैट पी बराबर जो दिया हुआ है वो दिया है 18,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 जो है पहले साल का है 12%, एंड R2 कितना है 12.5%। अच्छा, 12.5 को क्या लिख सकते हैं, इसको यदि हम राउंडिंग ऑफ, मतलब कि इसको हम सॉल्व कर दें और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन से हटा करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलें, तो कितना आएगा, 12×24 = 25, 25/2% आएगा। ओके, तो ये R2 हो गया। टाइम तो मतलब कोई जरूरत नहीं लिखने के लिए, क्योंकि आपको पता ही है कि पहले साल के लिए 12%, दूसरे साल के लिए 25/2% लग रहा है। तो अब क्या करेंगे, डायरेक्ट हम निकालेंगे अमाउंट। तो इसलिए जो अमाउंट होगा वो होगा पी इंटू 1 + R1/100, सॉरी ये R1/100 है, और दूसरे में लगेगा 1 + R2/100। ओके, यही फॉर्मूला लगेगा। तो पी क्या हो जाएगा यहाँ पर 18,000, और 1 + R1 क्या है 12% है, 12/100, और इंटू 1 + R2 क्या है, R2 है 25/200 हो जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, और इतना का पावर तक ही रहेगा। ओके, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए यहाँ पर 18, ये 000 रहेगा, इंटू ये हो जाएगा 112/100, इंटू ये हो जाएगा, यदि सॉल्व करेंगे तो 25 225/200। तो यहाँ से 00 कैंसिल कर दीजिए, 2 0 1 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा यहाँ पे 20, 5×20, 5 से कटेगा, 5×20 25, अब 4 से कटाना है तो 4 से कटा दीजिए इसको, 4 × 2 = 8, 3 × 4 = 48। तो मतलब फाइनली हमारा आ गया 18×28×45। तो अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले क्या करते हैं कि 18 का टेबल तो पता ही है, अब क्या करते हैं कि 28 में 45 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 8×5 = 40, 4 बचा, 8×32, 8×32 और 5×2 = 10, 42, 42×4 = 46, हासिल 4, और 4×2 = 8, 8×4 = 12। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 1260। तो इसमें 18 से मल्टीप्लाई करना है, 18×1260 कितना आएगा, 1800, 1800 × 8, 10 बचा, 18×2 = 36, 36×10 = 46, 4 बचा, 18×18 और 4×22। ओके, तो इतना रुपीज जो है आपका आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।